और चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर रोहिला का। डॉक्टर रोहिला, आपने इलाज बताया, कितने टाइप के इलाज है, क्योंकि अगर अर्थराइटिस अलग अलग है तो टाइप्स ऑफ इलाज भी अलग अलग होंगे, तो उसके बारे में और खासतौर से इंजेक्शन के बारे में, क्योंकि इंजेक्शन दिया जाता है और कहा जाता है इससे ठीक हो जाएगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। बिल्कुल, एक्चुअली अर्थराइटिस के ग्रेड की बात करें तो 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है इसको। जी। ग्रेड 1 जो अर्ली स्टेज होती है उसमें हमारा जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट हो जाता है, बोन सॉफ्टनेस के कारण जब बोन आपस में टकराती है तो पेन करना शुरू करता है, ये सबसे अर्ली स्टेज की आर्थराइटिस है जिसको ग्रेड 1 बोलते हैं, और ये रिवर्सिबल भी है। जी सर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, मुझे पता है कि आपके पास डेमो के लिए आप वो लेकर के आए हैं जहाँ पर दो बोन जो है वो ज्वाइंट रहते हैं घुटने का, वो तो हम चाहेंगे कि उसके जरिए अगर आप दर्शकों को थोड़ा बताएं। बिल्कुल, ये अगर आप देखेंगे तो ये हेल्दी ज्वाइंट है, ये हेल्दी ज्वाइंट में जो ये ब्लू कलर का दिखाया गया है ये हमारा कार्टिलेज है, जो बोन के ऊपर की कवरिंग होती है, तो ये जब कार्टिलेज आपस में जब रब करते हैं तो हमें पेन नहीं महसूस होता, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है या किसी कारण से हमारा कार्टिलेज डैमेज होता है, चाहे वो ट्रॉमा के कारण है या किसी इन्फेक्टिव आर्थराइटिस के कारण है या कोई भी रीजन है जो हमारे आर्थराइटिस का कॉज है, उसके कारण जब भी ये डैमेज होना शुरू होता है कार्टिलेज, तो अंदर से हमारी बोन एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमें पेन महसूस होता है, क्योंकि कार्टिलेज जब तक सेफ है, जब तक कार्टिलेज की पूरी कवरिंग सेफ है तो ये पेनलेस रहता है, लेकिन जैसे ही कार्टिलेज इसमें डैमेज होना शुरू होता है और बोन एक्सपोज होनी शुरू होती है तो ये पेन का कारण रहती है। तो जब सबसे कम कार्टिलेज डैमेज होता है उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, थोड़ा और डैमेज होता है तो उसको हम स्टेज 2 या मॉडरेट आर्थराइटिस बोलते हैं, और जब बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है तो उसको हम ग्रेड 3 या एडवांस ग्रेड की आर्थराइटिस बोलते हैं।